नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे इस बुधवार को हुई गेहूं नीलामी के बारे में, जिसने व्यापारियों और किसानों को हैरानी में डाल दिया, और वही समझेंगे कि अगर भारत गेहूं आयात करता है तो किस मूल्य पे कर सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गेहूँ बाजार की सारी खबरें सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं गेहूं बाजार में हो रहे रोचक पहलुओं को। बुधवार को हुई गेहूं नीलामी ने व्यापारियों और उद्योगों को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि गेहूं की खरीद मूल्य में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। वर्तमान दौर के ऑक्शन में औसत खरीद मूल्य 2155.96 प्रति क्विंटल रही, पिछले हफ्ते के 2254.71 से नीचे, जो कि 4.58% तक कम है। वर्तमान ऑक्शन में 2.6 लाख टन गेहूं में से 1.52 लाख टन गेहूं बेचा गया, जो कि 74% तक है, और ये दूसरी सबसे अधिक बेची गई मात्रा है 12 जुलाई की नीलामी के बाद, जिसमें कुल 1.77 लाख टन गेहूं बेचा गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा 15 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन निर्धारित किए जाने से दामों की बढ़ती हुई दिशा में थोड़ी रुकावट देखी गई, लेकिन गेहूँ के घरेलू बाजार के भाव में अभी भी ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। अब आइए इसे समझते हैं। कृषि जानकारी के अनुसार गेहूं का एक्चुअल उत्पादन सरकारी अनुमान से कम हुआ है और छोटे छोटे किसान लगभग अपना सारा स्टॉक बेच चुके हैं। अब बड़े बड़े उत्पादकों एवं बड़ी कंपनीज के पास ही गेहूं स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए मंडियों में सीमित मात्रा में इसकी आवक हो रही है। आगे भी आपूर्ति की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद कम है। इस हफ्ते दिल्ली लॉरेंस रोड में गेहूं के दाम 2500 से 2490 प्रति क्विंटल पर बने हुए हैं, जिसमें 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है। वर्तमान में व्यापार जरूरत के आधार पर हो रहा है, जबकि दक्षिणी भाग में व्यापारी भारत सरकार से इम्पोर्ट नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जब आयात की बात आ ही गई है, तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि अगर भारत आयात करेगा तो किस औसत मूल्य पर कर सकता है। बात करें पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अब अपनी गेहूँ इम्पोर्ट के लिए नए रास्ते देख रहा है। बांग्लादेश के राज्य ग्रेन खरीद संगठन ने हाल ही में एक टेंडर निकाला था, जिसमें 50,000 टन गेहूँ इम्पोर्ट करने के लिए सबसे कम ऑफर $304.83 पर मेट्रिक टन पर था, जिसमें लाइनर कॉस्ट भी शामिल है, जो गेहूँ बेचने वाले के द्वारा अनलोडिंग एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं। बांग्लादेश के वर्तमान आयात दामों के हिसाब से भारत में आयात किए गए गेहूँ के दाम लगभग $305 से $300 प्रति मेट्रिक टन पर रह सकते हैं, जो कि 2510 से 2550 रुपये प्रति क्विंटल पर होंगे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्य अनाज उत्पादक राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और स्टॉकिस्ट से अपने गेहूं के स्टॉक लेवल की जानकारी देने का आग्रह किया है। इस कदम का उद्देश्य एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन चेन को बनाए रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी गेहूँ बाजार पर चर्चा समाप्त होती है। अब देखना होगा कि गेहूँ की कीमतों में आई गिरावट अस्थायी है या सरकार का हस्तक्षेप कुछ लाभदायक बन रहा है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे गेहूं बाजार की और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए डाउनलोड करिए हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप, जहां आपको मिलेगी गेहूं बाजार से जुड़ी सारी खबरें और देश भर के मंडियों के ताजा भाव, वो भी मुफ्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, बाजार की ताजा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।